हाँ सर, यहाँ के हम वेफर रोज खाते हैं, डेली खाते हैं और बहुत अच्छा स्वाद भी है और फ्रेश माल बेचता है यहाँ पे, कोई डिफेक्टिव वस्तु नहीं, तेल भी अच्छा ओरिजिनल तिरुपति तेल है, ओरिजिनल अच्छा तेल आता है। और यहाँ पे वस्तु ऐसा है कि यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे इतने आते जाते कस्टमर है, यहाँ से 4 या 5 साल हो गए मेरे, और मैं यहाँ पे डेली से 10-20 या घर के लिए ले जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे वेफर खाने का। दोस्तों मेरा नाम संतोष शर्मा है और आज मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं सुहानी लाइव वेफर्स पे, जो कि सरोली गांव में आता है, पीआरटीएस कैनल के अपोजिट में इनका सोनाली लाइव वेफर्स के नाम से रोड के ऊपर धंधा लगता है, जहाँ पर आपको अनेकों प्रकार के केले के आइटम्स और आलू के चिप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको गर्मा गर्म हमेशा वेफर्स खाने को मिलेगा, पार्सल मिलेगा और आप जितना चाहिए रिटेल और होलसेल भाव में ले जा सकते हैं। तो इनके केले के वेफर्स को खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और साथ ही साथ पार्सल भी लेके जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे राजू भाई से, साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ कस्टमर हैं जिनसे हम फीडबैक लेंगे कि उनको यहाँ का केला वेफर्स कैसा लगता है, चिप्स कैसा लगता है, उसके बारे में। तो आप लोग बने रहिए। राजू कुमार चौहान, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लाइव वेफर निकालता हूँ मैं। अच्छा राजू भाई, आप इस बिजनेस में कब से हो? बिजनेस से हमारा तो 6-7 साल हो गया। इसके पहले मेरा अभी मांडवी में भी दुकान है, मेरा बाडोली में भी एक दुकान है। हाँ, तो मतलब आपके अभी पास, अभी आपके पास में कितने दुकानें हैं? इसमें 4-5 ही दुकानें हैं। हाँ, मतलब सब आपका ही है। और अभी जो केले, आप केले का जो वेफर्स बना रहे हैं, तो केले का वेफर्स का भी क्या प्राइस है? इसमें केले का वेफर का 240 रुपये प्रति किलो है, 60 नहीं 250 ग्राम है, 60 रुपये का 250 ग्राम आएगा। बटाका वेफर भी वही भाव है, एक ही भाव, 60 का 250 ग्राम, किलो का 240 रुपये है। आपके पास जितने भी आइटम्स हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसका प्रोसेस स्टाइल क्या है? प्रोसेस स्टाइल है, हम खेतर से केला लाते हैं, उसके बाद उसको यहाँ से लाने के बाद धुलते हैं, धुलने के बाद छीलते हैं, छीलने के बाद तेल में उसको फ्राई करते हैं। मसाला अपना खुद का बनाता हूँ मैं, मसाले में टेस्ट है अपना, मसाला जो खाता है एक बार वो आता है बार बार, मतलब यहाँ पर आता है, बोलता है टेस्ट है मसाले में, टेस्ट है अच्छा, टेस्ट आता है, इसके लिए बहुत दूर दूर से आते हैं लोग हमारे, ये बाहर भी पार्सल जाता है अपना, जो है अमेरिका भी जाता है, राजस्थान भी जाता है अपना वेफर पार्सल में जाता है। हाँ, मतलब लोग यहाँ से अमेरिका और अमेरिका भी लेके गए हैं? काका भी बेचते हैं, काका है साइड में, काका भी बेचते हैं, सब सब भेजते हैं। हाँ, हमारा वेफर जो है दूर दूर तक जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, बोलते हैं कि टेस्ट अच्छा है, इसके लिए बहुत दूर से बेसू साइड से आते हैं, बड़ा अच्छा साइड से आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पे जो राजू भाई को केला सप्लाई करते हैं, ये खेत के मालिक हैं, फुट का केला है, इसको डेच का राजू भाई को डेटा है, अच्छी वेफर चल बनाता है और हमारा विदेश में भी ले जाता है, बहुत अच्छी वेफर, इसकी दूसरी जगह नहीं मिलती, इसका मसाला बहुत अच्छा है राजू भाई का, इस मसाला पर चलता है इसका वेफर, फ्रेश माल देता है, रोज़ ताज़ा माल देता है, हमारे साथ खेडूत दूसरा खेडूत के पास भी ले लेता है, 2-4-5 खेल उठे इसके बाद, आज 100 किलो लिया, कल कोई 200 किलो लिया, ले लेगा। तो दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पे कस्टमर और हैं जो कि यहाँ का वेफर्स खा रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनके फीडबैक के बारे में। तो बताइए काका, आपको यहाँ का वेफर्स कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, टेस्टी है, मज़ेदार है। और आप यहाँ का जो वेफर्स है कब से खा रहे हैं? कुछ नहीं, 2.5 साल से खा रहा हूं। बहुत बढ़िया लगता है भाई इनका वेफर। और कब से आप लेके जा रहे हैं और कब से खा रहे हैं? अरे हम तो बहुत 4-5 बरस हो गया।
जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ का केला वेफर्स टेस्ट किया, बहुत ही लाजवाब है, टेस्टी है। आप अगर वेफर्स खाने के शौकीन हैं तो आप एक बार सारोली गांव में सुहानी लाइव केला वेफर्स पे आपको जरूर आना चाहिए।